अल आराफ इंदे नवा सिपारा है। नवा सिपारे दे जेड़े पहले दो वर्के ने ना, इन्हें दो वर्कियां विच पूरा टिल फिराउन दा अल्लाह ने बयान कीते दे जितिया कौन हजरत मूसा उच्चा बोलो शाबाश। एक बार तुझे हौली नहीं बोलना, मेरे को टाइम बड़ा थोड़ा है, मैं तुम्हें मिसाल देंदा पे कुरान पाक चों। जितिया कौन हजरत हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम। आप जीते, आप कल्ले है, आप ते दो भाई, आप ते दूसरा भाई सन हजरत हारून। ये दोनों भाई खड़े ने, इधर पूरा जत्था है, पूरी ताकत है, पूरा सरमाया है जनाब, पूरी शहनशाहियत है, पूरी बादशाहत है, पूरा तख्त ताज टिल पिया लगता है। ते अल्लाह ने जेले डिगण ते आया ते फरमाया तू ते की है, तू कुछ भी नहीं। कि साढ़े नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जेड़ा बंदा फजर दी अजान सुन के उठ बैंदा है, फजर दी अजान सुनदा है, सुन के ते उठ बैंदा है, ते मेरे मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया अल्लाह उन दो चीज़ा आता फरमाएगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन केड़ियां चीज़ा मिलन गियां? तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया पहली चीज़ तो ये कि अल्लाह उन नूर अता फरमाएगा, उनके चेहरे पर रौनक आ जाएगी, उनके चेहरे पर। अमूमी तौर पर जो बंदा सवेरे उठने वाला है ना, फजर वेले उठने वाला है, फजर तो पहला उठने वाला है, उनका रंग काला भी हो कोई मसला नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक नूर की फुहार नजर आ। दूसरी बात यह भी कि मेरे मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया जो बंदा फजर वेले उठ बंदा है तो अल्लाह फिर उन नूर के नाल उनका रिजक भी बरकत आला कर छड़ता। दो चीज़ा आता हूँ, पहली चीज की ये नूर सुरूर कुरान, अल्लाह अपनी रहमत अपना फजल अपने महबूब की निगाह उनके विच शामिल कर देंदे, ते दूजा की ये अल्लाह ताला उनके रिजक विच खैर और बरकत अता फरमाए। ए मिसाल है ते जी फजरी ना उठिए, फजरी ना उठिए, अजान टाइम ना उठिए, जमात भी हो जाए फिर भी ना उठिए, नमाज कजा हो जाए फिर भी ना उठिए, नौ बज जाए फिर भी ना उठिए, ग्यारह बज जाए फिर उठिए, तो फिर दसो नूर मिलेगा, कोई सुरूर मिलेगा, कोई कमी आई ना, वादा तो ना होया। तो यही चीज़ आ गई भी जे खुदा तो हट जाइए, रसूल तो हट जाइए, तो फिर वादा नहीं होता घाटा होता। सलाम नाल मुहब्बत का इजहार किया है, कायनात अल्लाह ने पैगाम दे दिता है इन्नल इंसान लफी खुसर, तुसी भी इंसान मैं भी इंसान पूरी कायनात नू ये पैगाम भी इंसान जरूर घाटे विच। एक दफा तर्जमा बुक करो भी इंसान जरूर घाटे विच, तुसी लफ्ज याद रखना इन्नल इंसान लफी खुसर। अच्छा हूँ इनकी थोड़ी जी वजाहत हो जाए। रब्बुल आलमीन ने फरमाया भाई इंसान घाटे अंदर है, ए वेख लो इब्तदा मुहब्बत तो है ते इनकी इंतहा भी मुहब्बत है, ये ए टोटल अगे मुहब्बत ही है, लेकिन अगर इनकी वजाहत बयान फरमाई फरमाया जे खुदा ते मुस्तफा तो हट जाओगे तो फिर घाटा है। गल बड़ी समझने वाली है, यह हम अल्लाह का कलाम पे फरमांदा है, मेरी गल नहीं किसी बड़े मुहद्दिस की गल या बड़े कोई चोटी दाल में दीन होवे उनकी गल नहीं, बल्कि रब्बुल आलमीन दा ये फरमान है। असी ना मनिए तो मर जावांगे, अगर नहीं मनांगे तो शैतान बन जाएंगे, अगर नहीं मनांगे तो ना फरमान बन जाएंगे, अगर नहीं मनांगे तो दोवें जहानों अपने आप की तबाही कर लाँगे बर्बादी कर लाँगे। तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया अगर खुदा तो हट जाओ, उदे रसूल तो हट जाओ, खुदा तो हट जाओ, उनके यार तो हट जाओ, खुदा की इतात ते मुस्तफा की इतबा इन दोवें चीज़ों तो हट जाओ तो फिर इंसान घाटे इनकी मुख्तसर सी बात है इन समझना है। खुदा तो बंदा हट जाए, इनकी मिसाल मैं तुहाड़े सामने इंज दी रख दिना जी, तो जो है अज मैं ए गल जनाब नाल करनी है। ए जिहड़ा कुरान पाक ने मसला बयान किया ना इन्नल इंसान लफी खुसर, खुसर नूं कहिंदे ने घाटा, खुसर दा माने की है सारे बोलो बोलना है, तुहानूं याद करवा रहे हैं
ताकि मेरे भी सवाब होवे तुहानू याद हो जाएगा कल तुसी जिले माना करोगे याद करोगे मसला किसे अगे करोगे तो मेरे भी सवाब होवेगा मेरी कबर च भी रोशनी आ जाएगी। मेरा तो यह ही मकसद है होर कोई मकसद तुहाडे सामने है कोई ना। फरमाए इंसान घाटे बच्चे तो घाटे बच्चे बंदा उले जाता है जिले रब ते रब दे रसूल की ना फरमानी आ जाए। मैं तो हूँ इनकी एक मिसाल होर कुरान पाक दे विचों दे देना तो जो है एक मैं होर मिसाल दे देना ताकि मसला जड़ा ना जी वो वाजे हो जावे। अल्लाह हकमुल हाकमीन ने ए त्रियां सपारा इंदी आयत नंबर 15 दे अंदर इरशाद फरमाया ला यसलाहा इल्लल अशका नहीं उसमें जाएगा मगर बड़ा बदबख्त है। मैं फिर तुम मिसाल दूजी मिसाल पहली हदीसे पाक जो दी हूँ दूजी मिसाल फिर रब ते रब दे रसूल नाल ना रवीए जे चौधरियां नाल ना रवीए तो पिंड रहना मुश्किल हो जाए। सारे चौधरी बैठे हो दसो गल है चौधरियां नाल बंदा वजा पवे ना तो पिंड विच रहना औखा हो जाता है। बंदा मसीते इमाम मस्जिद होवे तो चौधरी नाल वगाड़ लवे तो फिर इमाम इमामत तो बंदा खारज हो जाता है इमाम रहना मुश्किल हो जाता है। चौधरी रन थाने लै जाइए तो उत्थे चौधरी रन की ना मनीए तो उत्थे बंदा किसी खाते का नहीं रहा। ब दुनिया वाले हो अल्लाह तुहानू अखा दित्तियां ने तुहानू कन दित्ते ने अल्लाह तुहानू फिक्र दित्ती है शऊर दिता है सारा कुछ दिता है खुदा वास्ते मेरे हाथ में कुरान पाक है। मस्जिद अंदर बह के रसूल अल्लाह के मिंबर के उत्ते बह के गल तुहाडे नाल पै करना है कूड़ की कहानी जे सारी। बंदा जितदा वो ही जे जिंदे नाल रब ते रब दा रसूल हो जाए। हुण एक बार उच्चा करके आखो सुभान अल्लाह। वो बंदा हारिया आया जे हुण हर पासे देखो हर पासे तिल सी फिरौन दा हर पासे तिल सी फिरौन दा ए अल्लाह करीम ने पूरा रकू बयान कीता है ए बल्कि दो रकू बयान कीते ने ए फिरौन दे तिल दे ए पूरे ए सूरह अल आराफ इंदे ए नवा सिपारा है नवा सिपारा दे जेड़े पहले दो वर्के ने ना इन्हें दो वर्कियां विच पूरा तिल फिरौन दा अल्लाह ने बयान कीता है ते जितिया कौन हजरत मूसा उच्चा बोलो शाबाश। एक बार तुझे हौली नहीं बोलना मेरे को टाइम बड़ा थोड़ा है मैं तुम्हें तो मिसाल देता पाया कुरान पाक चों जितिया कौन हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आप जीते आप कल्ले है आप ते दो भाई आप ते दूसरा भाई सन हजरत हारून ये दोनों भाई खड़े ने इधर पूरा जत्था है पूरी ताकत है पूरा सरमाया है जना पूरी शहनशाहियत है पूरी बादशाहत है पूरा तख्त व ताज टिल पिया लगता है ते अल्लाह ने जेले डिगण ते आया ते फरमाया तू ते की है तू कुछ भी नहीं। एक बार फिर बोलो फिर बोलो ते मेरा दिल ले इत्थे हजरत सुल्तान साहब की गल ना कर लीए जनाबे हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला ले बोले बड़े सोने लफ्जां दर ऐलान पे फरमान रे जिउंदे की जान नसा